आइए आइए, तुसी अचानक फिर बहन जी क्यों आया? मैं अपने छोटे भाई रणवीर के लिए राणो का हाथ मांगने आई। अच्छा मजाक कर रही है, जरा देखूं तो। पुलिस तो साथ लेकर नहीं आई। हाय मेरे गुड्डो। अच्छा तू आ गई, अब मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। चल आओ जी तुझे। अच्छा जी प्रीत बहन, इन सब की क्या जरूरत थी? मेरी गुड्डू आ गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो शगुन है हमारी होने वाली बहू के लिए। नानो दीदी, आपको पता है आप तो मेरी दीदी भी हो और होने वाले भाभी भी हो। मैं ना आपको शादी के बाद फिर भी भाभी नहीं बुलाऊंगी, दीदी ही बुलाऊंगी मैं। हाय हाय मन्नो, मेरे पेट में तो ना चूहे उलट बाजियां लगा रहे हैं। प्रीत बहन जी पता नहीं कहाँ चली गई, ये अचानक कहाँ गई होंगी? शनो दीदी, मैं भी वही सोच रही थी, प्रीत बहन जी कहाँ जा सकती है? और गुड्डू, गुड्डू भी नजर नहीं आ रही। ओहो, गुड्डू का क्या है, यहीं कहीं होगी, वो तो मिल ही जाएगी। पीछी पीछे आपने गुड्डू को देखा? नहीं। ये गुड्डू भी ना ब्याह हो गया, पर इस गुड़ी का बचपना नहीं गया। गुड्डू, गुड्डू जल्दी आना, खाना लग गया है। आप यहाँ आए, हमें इतनी इज्जत दी, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि आपने हमारी रानू के ऊपर चोर होने का इल्जाम लगाया था ना। मेहमानों से भरे हुए घर में सबके सामने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, और अब अचानक आप मान खानदान की बहू बनाने की पेशकश कर रही हैं। माफ करना बहन जी, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। समझना तो मुश्किल है, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मेरे मन में भी कई सवाल उठते। कल जो कुछ हुआ रानो के साथ हमारे घर पे बड़ा गलत होया, नहीं होना चाहिए था। मैं माफी मांगती हूँ रानो तुझसे। मुझे तो इस बात पर पूरा विश्वास तब हुआ जब रणवीर ने मुझे पूरी बात समझाई, और रणवीर पर तो मैं वैसे भी अंधा ही विश्वास करती हूँ। खैर जो हो गया सो हो गया, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कल रानो का हमारे घर पे सबके सामने अपमान हुआ। मैं चाहती हूँ कि उन्हीं लोगों के सामने मैं इसे बहू बनाकर इसे मान दूँ। तुसे खुद भी तो सोचो, वड्डी हवेली से देरा बस्सी की गलियों से गुजर कर जब बारात आपके दरवाजे पे पहुंचेगी तो तोड़ा रुतबा भी तो बढ़ जाएगा ना। और उसके साथ साथ जब रणवीर के नाम की चादर राणो के सिर चढ़ेगी तो इसके खिलाफ जो भी इल्जाम है लोग अपने आप भूल भी जाएंगे। अरे
इतने बड़े कड़े और इतने सोने? ये सिर्फ कड़े नहीं है, मान खानदान की पहचान है। ये कड़े हमारे खानदान की सबसे छोटी बहू के लिए, और आज ये कड़े अपनी ठीक जगह पे पहुंच गए। हाथ दे रानू। मैं ये कंगन नहीं ले सकती। मैं मान खानदान की बहू नहीं बनना चाहती। आपने इस रिश्ते को मंजूरी इसलिए दी क्योंकि आपको रणबीर पर विश्वास है, लेकिन मुझ पर नहीं। जी, रानू का इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, बस मैं भी तो हर अपमान को मान में ही बदलने आई थी ना। खैर कोई नहीं, हो जाता है। रानू ने ये कड़े पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं जो रिश्ता लेके आई हूं वो अभी भी कायम है। ये कड़े मैं यहीं छोड़े जा रही हूं। जिंदगी का सवाल है, वक्त तो लगेगा ही। रानो से कह दें, अगर वो रणवीर की दुल्हन बनना चाहती है और मान खानदान की बहू, तो वो कड़े पाल ले। सच रेखा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। प्रीत बहन जी, कहीं पुलिस लेकर तो नहीं आई? सुखी, बाय बाय। सुखी, मैं आ गई। अंदर चले। चल। प्रीत बहन जी, यहाँ क्या करने आई थी? आए थे रिश्ता लेकर रणबीर का, तेरी रानो दीदी के लिए। मगर उस महारानी के रौब देखो, उसने साफ साफ मना कर दिया, कह दिया वो शादी नहीं करना चाहती। वाह, ऐसे ताने मारने की जरूरत नहीं है। रानो ने कोई गलती नहीं की है, और जिन हालात में जिस तरह से प्रीत बहन जी उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी, वो उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन तेरी समझ में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बातें नहीं आने वाली, तू दिमाग पे जोर मत ला। रानू भी क्या किस्मत लेके आई है, जिस दिन का उसे इंतजार था वो दिन आया अभी। पर बस बस, अब इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अभी तो बड़ी तारीफें कर रहे थे आप उसकी। और जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ ही की जाती है।
इतने मोटे मोटे कंगन। अरे गुड्डुआ मेरे पास आके बैठ जा। सच गुड्डू तेरे आने से ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में एक चांद निकल आया। माँ रानू दीदी ऐसे भागी क्यों चली गई? क्या वो रणबीर जी से प्यार नहीं करती? बेटा तेरी रानू दीदी की बातें तो तेरी रानू दीदी ही समझे, उसकी मन में क्या है कोई नहीं बोल सकता। तू जितना अच्छा समझती ना उसे उतनी वो अच्छी है नहीं। जब देखो कोई नया बखेड़ा खड़ा करती है। अब देख तेरे रणबीर भैया कितना प्यार करते हैं ना उसे, मगर ना उसने तो शादी से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसे, जबकि तेरी प्रीत बहन जी खुद चलकर आई थी। तुम्हारे घर में कितनी इज्जत है ना प्रीत बहन जी की, कितना मान रखते हो ना उनका, मगर उसने तो प्रीत बहन जी का अपमान कर दिया, जबकि उसे उनके पैर छूने चाहिए थे। पर माँ कल प्रीत बहन जी ने भी तो रानू दीदी का कितना अपमान किया था सबके सामने, उन्हें भी तो बुरा लगा होगा ना। प्रीत बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा वो तो बड़े हैं ना, बड़े तो कुछ भी कहते थे, इसका मतलब थोड़ी कि छोटे उनकी इज्जत ना करें, है ना। तेरे घर में प्रीत बहन जी से सब कितना डरते हैं, पर तेरी रानू दीदी तो उसे कुछ भी नहीं समझती, है ना सुखी? हाँ। मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये गुड्डू कहाँ है। हाय हाय माता रानी की सौ, लेकिन कहीं गुड्डू सुखी के घर वापस तो नहीं चली गई? प्रीत तू बिना बताए कहाँ चली गई थी पुत्र? और गुड्डू घर पे नहीं है, कहाँ है गुड्डू? गुड्डू को मैं सुखी के कार छोड़ आई। तू गुड्डू के ससुराल गई थी? जी बीजी, रणवीर का रिश्ता करने। राणू के साथ? वाह, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, रणवीर को बताना होगा। लेकिन राणू ने इनकार कर दिया। रणबीर, रणबीर, हेलो रणबीर, वेयर आर यू? क्या हुआ रणबीर? रणबीर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, I have good news for you. Okay. तेरी रब ने बना दी जोड़ी, और तेरी रब ने बना दी जोड़ी। Congratulations, रणबीर। Okay. प्रीत बहन जी अभी अभी रानू के घर से आ रही है, जहां वो तुम्हारे और रानू का रिश्ता पक्का करने गई थी। In other words, प्रीत बहन जी तुम्हारे और रानू की शादी के लिए मान गई। Yes. Oh my God.
यू सो मच प्रीत भैया, थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि आप मान जाएंगे। जानू को हमारे घर का, अपने दिल का हिस्सा बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा गलत, थैंक यू सो मच। बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय प्रीत भैया जी। अरे क्या हुआ, इतना खुशी का मौका है और आप सबके मुंह लटके हुए हैं। कम ऑन, चीयर अप। मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। हमारे प्यार को हमारी मंजिल मिल गई रानू। हमारे अपनों ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है रानू। मैं ना कहता था प्रीत बहन जी दिल की बहुत अच्छी है, मेरा दिल तोड़ दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखा उन्होंने तुम्हें मांगी लिया ना मेरे लिए। ओह गॉड, मैं कितना खुश हूं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हमारी शादी होगी, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। माथे पे किंडी वाली चुन्नी, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी, यकीन नहीं आता रानू, सब कुछ एक सपना सा लगता है। मेरे सामने मेरी जिंदगी होगी, मेरी रानू होगी, मान परिवार की बहू होगी। रणवीर, मैं मान खानदान की बहू नहीं बनूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।